हेलो, कैसे हैं आप फ्रेंड्स? आशा करती हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका आपके चैनल में। फ्रेंड्स, अगर आप अपने चेहरे की स्किन पर पड़े काले दाग धब्बों से, झाइयों से, डार्क सर्कल या ब्लैक एड्स, वाइट एड्स, इन सब का इलाज कर करके थक गए हैं और आपकी स्किन की प्रॉब्लम फिर भी ख़त्म ना हुई हो, तो आप आज की ये होम रेमेडी एक बार यूज करके देखिएगा। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत अच्छी होम रेमेडी है। ये रेमेडी आपके पुरानी से पुरानी झाइयों को, दाग धब्बों को यूं ही ख़त्म कर देगी जैसे कि कभी वो थी ही नहीं। आपके चेहरे को एकदम ब्राइट बनाएगी। आप इसे मेरे बताए अनुसार ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। बहुत अच्छी रेमेडी है, आपको इसका लाभ ज़रूर होगा, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। बिल्कुल नेचुरल है, ऑल स्किन टाइप है और इसे बनाने के लिए सामान आपको किचन में मिल जाएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसे बनाने के लिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एक आलू लूँगी और मैं इसे कद्दूकस कर लूँगी और हमें इसका जूस चाहिएगा रेमेडी में, तो फिर मैं इसका जूस निकाल लूँगी। फ्रेंड्स, आलू के बेनिफिट बताती हूँ मैं अब आपको स्किन के लिए क्या क्या होने वाले हैं। फ्रेंड्स, आलू बहुत अच्छी चीज़ होता है स्किन के लिए। अगर हम इसे अपनी स्किन की देखभाल में, डेली रूटीन में अपने शामिल करें तो हमारी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है। बहुत अच्छा होता है आलू स्किन के लिए। इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे पोषक तत्व होते हैं जो स्किन को एक हेल्दी स्किन बनाते हैं, जैसे विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो स्किन पर पड़ी झाइयाँ, काले दाग धब्बे, डार्क सर्कल, कालापन, इन सबको ख़त्म करने में हेल्प करते हैं। और आलू में फ्रेंड्स ब्लीचिंग प्रॉपर्टी भी होती है जो स्किन को ब्राइट बनाने में हेल्प करती है। और आलू स्किन के लार्ज ओपन पोर्स को भी टाइट करता है, उन्हें मिनिमाइज करता है जिससे झुर्रियाँ ख़त्म होती हैं, एंटी एजिंग के लक्षणों को कम करता है। और आलू एक प्राकृतिक स्किन लाइटर भी है जो स्किन के डार्क कॉम्प्लेक्शन को ब्राइट बनाने में हेल्प करता है। और फ्रेंड्स, आलू में जो वाइट वाइट सा होता है वो स्टार्च होता है, वो स्किन को निखारने में हेल्प करता है। आलू स्किन में कोलेजन के प्रोडक्शन को भी बूस्ट करता है जिससे हमारी स्किन हेल्दी और ग्लोइंग बनती है। तो देखा आलू कितने काम की चीज़ होती है। आलू ज़रूर इस्तेमाल करिए अपनी स्किन के रूटीन में। और देखिए, अब मैंने इस जूस को निकाल लूँगी मैं एक छलनी के द्वारा। आप चाहे तो इसे किसी कपड़े में भी निकाल सकते हैं। और ये हमारा हो गया आलू का रस तैयार। अब हम इसमें आगे मैं बताऊँगी अब इसमें क्या करना है। ये जो देखिए, इसमें जो वाइट वाइट सा है ये स्टार्च होता है, यही बहुत काम की चीज़ है स्किन की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। अब मैं लूँगी यहाँ पर चावल का आटा लूँगी एक चम्मच, आप अपने फेस के अकॉर्डिंग ले लेना। चावल के आटे में फ्रेंड्स स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो स्किन को पर निखार लाने का काम करती हैं। चावल में अमीनो एसिड भी होता है, विटामिन्स भी होते हैं जो स्किन की गहराई से सफाई करके स्किन पर पड़े दाग धब्बे, झाइयाँ और डेड सेल्स, इन सब को ख़त्म करने में हेल्प करते हैं। और आपने देखा होगा कोरियन महिलाएं चावल का यूज करती हैं तो उनकी स्किन देखिए कितनी चिकनी और गोरी निखरी हुई मिलती है। तो चावल भी बहुत अच्छी चीज़ होती है स्किन के लिए फ्रेंड्स। और अब लूँगी मैं एलोवेरा जेल आधा चम्मच। अगर आपकी स्किन को एलोवेरा जेल सूट नहीं करता तो आप इसमें शहद भी ले सकते हैं, वो भी आधा चम्मच ही लीजिएगा। और फ्रेंड्स, एलोवेरा जेल एक रामबाण औषधि की तरह काम करता है हमारी स्किन पर। एलोवेरा जेल में एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ हाइड्रेटिंग गुण भी होते हैं जो डार्क सर्कल को रिमूव करते हैं, दाग धब्बों को, काले निशान को, डार्क सर्कल को, इन सबको ख़त्म करने में हेल्प करते हैं। फ्रेंड्स, वो कहावत है ना कि सोने पे सुहागा, तो ऐसे ही एलोवेरा जेल अगर किसी चीज़ में हम मिलाते हैं तो वो सोने पे सुहागा ही होता है, उसके बेनिफिट दुगने हो जाते हैं। और देखिए, अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा सा चावल का आटा और ऐड कराया आधा चम्मच, क्योंकि ये थोड़ा सा ढीला हो गया था। तो फिर आप इसे अच्छी तरह से ऐसे मिक्स करिएगा फ्रेंड्स। ये तीनों चीज़ें बिल्कुल नेचुरल हैं, आपके चेहरे की जितनी परेशानियां हैं ना, काले निशान, झाइयाँ या मलाजमा हैं, डार्क सर्कल हैं या कालापन है, वो सब इससे ख़त्म हो जाएंगी। फ़र्क तो आपको अपने चेहरे पर पहली बार से ही दिखना शुरू हो जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए, अब मैंने इसे मिक्स कर लिया है, आप अपने चेहरे पर लगाइएगा इसे किसी ब्रश की सहायता से। अब मैं आपको अपने हाथ पर लगा के दिखाऊँगी, आपको इसी तरह से ही अपने चेहरे पर लगाना है। फ्रेंड्स, जैसे हम कोई फेस पैक लगाते हैं तो अपने चेहरे पर उसे ऊपर की तरफ लगाया करें, क्योंकि जिस दिशा में अपनी स्किन को हम रखते हैं उसी दिशा में हमारी स्किन होती है। तो ऊपर की तरफ लगाएंगे तो हमारी स्किन टाइट होगी, तो ऊपर की तरफ हमेशा लगाया करें। आज की रेमेडी बहुत अच्छी है, बिल्कुल नेचुरल है। और फ्रेंड्स,
खास बात इसमें यह है कि इसमें मैंने आलू का यूज़ किया है जो स्किन पर काले दाग धब्बों की झाइयों की रामबाण दवाई का काम करेगा। बहुत अच्छा फेस पैक है, तो आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। और देखिए मैं 10 मिनट यहाँ पर अपने हैंड को छोड़ दे रही हूँ, 10 मिनट के बाद आप अपना चेहरा नॉर्मल पानी से धो सकते हैं। और जब आप अपना चेहरा धोएं तो उसे हल्के हल्के हाथ से 1 मिनट तक हल्के हल्के हाथ से रगड़ कर धोएं। और देखिए मैंने अपना हैंड वॉश कर लिया है और मेरे हाथ का कलर आपके सामने है, कितना साफ़ कितना निखरा हुआ कलर हो गया मेरा। अब क्या चेहरा भी ऐसे ही होगा फ्रेंड्स। मैं हमेशा कहती हूँ होम रेमेडी बेस्ट अमेजिंग चीज़ होती है हमारी स्किन केयर के लिए। बहुत अच्छी है आज की होम रेमेडी भी, आप इसे जो इस्तेमाल करिएगा, आप इसे हफ्ते में 3 बार इस्तेमाल करिएगा। और याद रखिएगा कि इसके बाद कोई भी फेस वॉश या साबुन मत लगाइएगा अपने चेहरे पर। और फ्रेंड्स ये ऑल स्किन टाइप है, कोई भी मेरी माताएं बहनें मैन वूमेन कोई भी इसे लगा सकता है। बहुत अच्छी होम रेमेडी है, तो आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए आज से ही। जल्दी से जाइए बनाइए और इसका लाभ उठाइए, अपने चेहरे को एकदम चमकदार बनाइए। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।